तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ स्मार्ट टच फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मतलब जो स्मार्ट स्मार्ट फीचर्स हैं गाइस, जो कि हिडन फीचर्स आप इनको बोल सकते हैं, वह मैं आपको आपके फ़ोन के अंदर कैसे कैसे करने मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? तो गाइस, यहाँ से हम चलते हैं सेटिंग के अंदर। तो यहाँ से हम सेटिंग पर आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल फीचर्स का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। स्पेशल फीचर्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो आपको गेम टर्बो का ऑप्शन देखने को मिलता है। गाइस, को अगर आप इसके अंदर कोई भी गेम ऐड करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर आपका काफ़ी अच्छे से काम करेगा और आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छे से चलाएगा, आपका गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। फिर गाइस, यहाँ से आप देखेंगे तो वीडियो टूल बॉक्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको गाइस आप इनेबल करेंगे। तो इसका इनेबल करने के बाद गाइस आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अपने यूट्यूब की जो वीडियोस हैं गाइस उनको चला सकते हैं स्क्रीन ऑफ करके, ठीक है? जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब कि गाइस, आपका यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है, तो आप उसको ऑडियो में सुन सकते हैं। प्लेबैक दिख रहा है ना आपको, स्पेशल इफेक्ट एंड फीचर फॉर वीडियोज़ प्लेबैक। मतलब कि गाइस, वीडियो टूल बॉक्स को एनेबल करेंगे तो आप वीडियो चल रही होगी आपकी, बट उसका आप ऑडियो सुनना चाहें तो डिस्प्ले ऑफ करके ऑडियो भी सुन सकते हैं, ठीक है? ये फीचर आपको आई होप कि गाइस आपको जरूर पसंद आया होगा। फ्लोटिंग विंडोज़ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज़ का आपको आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि गाइस, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो गाइस आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप इस तरीके से उसका कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन आया, आपको सिंपल से इस तरीके से क्लिक करना है, आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये फ्लोटिंग विंडोज़ हो गया, ठीक है? गाइस, तो आपको ट्यूटोरियल दिया जा रहा है ओपनिंग फ्लोटिंग विंडोज़, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऐसे करना है। मूविंग फ्लोटिंग विंडोज़ आपको ऐसे करना है, ठीक है? तो गाइस, ये फ्लोटिंग विंडो होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो गाइस, यहाँ से आपको रिसेंट टास्क में हम ले चलते हैं। फ्लोटिंग विंडो पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ से गाइस, मैं गैलरी ओपन करूँ तो गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी भी ओपन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइस, इसको आप मूव करा सकते हैं इस तरीके से। तो उसको छोटा करना है तो गाइस, इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये छोटा हो जाएगा गाइस, ठीक है? तो गाइस, इसको अगर आप छोटा करना है, मिनिमाइज़ करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग विंडोज़ है, तो आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे, ठीक है? तो ये कुछ फीचर्स थे। बाकी गाइस, चलिए मैं आपको कुछ फीचर्स और बताता हूँ। आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना है। तो यहाँ से हम एडिशनल सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। जेस्चर एंड शॉर्टकट्स पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर हमने इसको कर लिया क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पहला फीचर है टेक ए स्क्रीनशॉट विद थ्री फिंगर। तो गाइस, इसको आपको यहाँ से इनेबल करना होता है, जो कि हमने इनेबल करके रखा है। अगर आप चाहें तो उसको इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लॉन्च कैमरा करने के लिए डोर प्रेस द पावर बटन, ठीक है? तो आपका जो कैमरा है वो लॉन्च हो जाएगा। आपको सिंपल सा पावर बटन डोर प्रेस करना है इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आपके फ़ोन के अंदर जो आपका कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो डोर प्रेस वॉल्यूम, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गाइस ये कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से आपके फ़ोन में आपको दिख भी रहे होंगे, सपोज आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस, ये सब आप कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी गाइस, आपके फ़ोन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है वन हैंड मोड का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो गाइस, इसको आप यहाँ पर सिंपल तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर वन हैंड मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? स्वाइप लेफ्ट और राइट द होम बटन, इस तरीके से आपको स्वाइप लेफ्ट और राइट दिखाता हूँ। यहाँ से गूगल असिस्टेंट स्टार्ट हो गया हमारा, इस तरीके से करेंगे तो गाइस यहाँ से आपका वन हैंड मोड में आपका फ़ोन हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से, ओके। तो गाइस, आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। अगर गाइस फीचर अच्छे लगे होंगे, समझ आए, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी गाइस, मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।